नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। उसी कड़ी में एक और जानकारी हरियाणा TGT फिजिकल एजुकेशन एग्जाम डेट को लेके जो खबर निकल के आ रही है वो, और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर एग्जाम डेट आपको 20 दिन बाद की मिलती है तो सबसे ज्यादा फोकस आपको किस चीज के ऊपर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो आपको सेफ कर सकती है। जब एग्जाम डेट बहुत पास होती है तो नई चीजें सीखने में कई बार हम पुरानी चीजें भी भूल जाते हैं, तो कहाँ पे बेटर ध्यान दें। इसके अलावा आप हमारे साथ भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी फिजिकल एजुकेशन को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर मिस नहीं होती है, खास करके एग्जाम तैयारी को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर समय समय पर अपडेट यहाँ पे आती रहती है। तो हरियाणा TGT फिजिकल एजुकेशन एग्जाम डेट की हम बात कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ तैयारी हो सकती है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक है, तीनों को ही आप जो है फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, तीनों के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले एग्जाम डेट की भी। एग्जाम डेट क्या हो सकती है, मैं बता दूं, एग्जाम डेट आने वाला संडे जो आपका अप्रैल में 16 तारीख को आएगा, 15-16 का सैटरडे और संडे है, इस दौरान आपकी एग्जाम डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। हो सकता है आपका एग्जाम 16 को हो या 15 को भी हो सकता है, और 30 अप्रैल तक कभी भी हो सकता है। तो एग्जाम डेट बहुत नजदीक आपको HSSC सरप्राइज दे सकती है। अब इसका प्रूफ मत मांगना, लेकिन संभावित एग्जाम डेट की मैं बात कर रहा हूं, अप्रैल के महीने में 90% संभावना है आपका एग्जाम हो जाए। वैसे हरियाणा कल को कोई केस हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक के जैसे हालात हैं उसके हिसाब से लग रहा है HSSC जो है सुप्रीम बोर्ड के अंदर है, मामला कोर्ट में जाए तो ही जो है फंस सकता है, अदरवाइज संभावना पूरी है। HSSC का मूड जरूर है, बाकी उथल पुथल हो सकती भी। एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा, फिजिकल एजुकेशन की मैं बात करूँ तो फिजिकल एजुकेशन का आपका एवरेज लेवल रहने वाला है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा टफ मामला नहीं रहने वाला है। आपने नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन की स्टडी कर रखी है और स्टेट कर रखा, स्टेट उस दौर में नहीं जब सब ने किया, उस दौर में जब तूफान आ रहा था और सभी जो है डर रहे थे कपड़े सुखाने से, और आपने उस तूफान में कपड़े सुखा के पहने हो अपने गीले कपड़े, तो आप बिल्कुल इजीली इस पेपर को कर देंगे। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, 2017 से 2021 के बीच अगर आपने स्टेट किया है, जहां पे लोगों के लिए स्टेट करना एक सपना होता था, तो आप इजिली पेपर को क्रैक कर सकते हैं। 2022 दिसंबर का आपने स्टेट किया है तो सॉरी टू से मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपने उस दौर में तूफान के विरुद्ध आप खड़े रहे और वहां पे एग्जाम को क्रैक किया, तो आप इजीली पेपर को कर देंगे। पेपर का लेवल एवरेज रहेगा, कुछ वैसे ही जो सेट एग्जाम आते रहे हैं भाई, ठीक है। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन को आप थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि समय कम है भाई। अगर आप ये मान के चले कितनी भी तारीख, आपके पास 25 दिन मान के चले, ठीक है, 25 दिन भी मत मानिए, 20 और 25 के बीच दिन मानिए। कल को अगर एग्जाम डेट 15-16 आती है तो हमारे पास समय बहुत कम है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन को आपको समय देना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी मेजरमेंट को खास करके आप कवरअप करें, मेजरमेंट से आपके 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मामला है TGT लेवल का, तो मेजरमेंट आपको सरप्राइज दे सकती है। हो सकता बहुत ज्यादा भी आ जाए, हो सकता बहुत कम भी आ जाए, लेकिन आप मान के चले एवरेज मेजरमेंट के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए पेंटाथलोन, डेकाथलोन, एथलेटिक्स की खास करके मेजरमेंट को डीपली जरूर पढ़ें, और दूसरे गेम की जो भी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है उनको पढ़ने में चूक ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट आपके 7 से 8 क्वेश्चन के अंदर आ सकती है, इसको सीरियसली लें। फिजिकल एजुकेशन का मामला 50% है, इसको आप जितना ज्यादा सीरियस लेंगे उतनी ही चीजें आपके लिए इजी होती चली जाएंगी, क्योंकि ये आपका मेन पिलर है और मेन पिलर यहाँ पे मजबूत रखना जरूरी है। DSSB के मामले में अक्सर मैं कहता हूं कि कॉमन पेपर आपका होना स्ट्रॉन्ग जरूरी है, लेकिन यहां फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि फाइट इतनी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल फाइट है। कॉमन पेपर की तैयारी
जो कॉमन पेपर के जो सब्जेक्ट जितने भी दे रखे हैं, कोई रोड सेफ्टी है, कोई इन्वायरमेंट का टॉपिक है, कोई एजुकेशन प्रस्पेक्टिव के बारे में, वो चीजें हमारे लिए अभी भी जो है माउंट एवरेस्ट जैसी हैं, क्योंकि वो नहीं है। फिजिकल एजुकेशन की बात करोगे तो वहां पे सभी संघर्ष कर रहे हैं, वहां पे कौन कितने तुक्के मारता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तैयारी भी हो सकती है अपवाद स्वरूप एक आध बच्चा, लेकिन सभी नहीं कर पाएंगे। अगर 20 दिन बाद एग्जाम आता है, मिड अप्रैल में अगर पेपर होता है, तो वहां पे सभी की फाइट फिजिकल एजुकेशन में होगी, और फिजिकल एजुकेशन को जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उससे बेटर कुछ भी नहीं है भाई। हाउ टू प्रिपेयर, आप तैयारी कैसे करें भाई, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके, देखो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और बेटर ये होगा कि आप कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस ले लें, कहीं से भी लें, वो डजंट मैटर, कहीं से भी लें, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉमन पेपर का कुछ परसेंटेज चीज तो आपकी कवर होंगी, और फिजिकल एजुकेशन को भी सिस्टमेटिक ढंग से करवाया जाएगा। आपने 2017 में स्टार्ट किया, पढ़ाई छूटी हुई है, तो आपके लिए चीजों को वापस से असेंबल करना, इकट्ठा करना थोड़ा सा संघर्ष का काम होगा, तो बेटर ये है कि आप कहीं ना कहीं जुड़ जाएं, जो सिस्टमेटिक ढंग से आपको काम करवाए वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो अप टू डेट एक एक चीज आपको एक सीक्वेंस में करवा दे, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 20 से 25 दिन बाद एग्जाम होता, 6 महीने बाद होता, तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हो सकता है। अप्रैल जब तक पूरी नहीं गुजर जाती है ठीक ठाक, तब तक ये मत मानिए कि एग्जाम अप्रैल के बाद होगा। एक हफ्ते पहले आपको एग्जाम डेट देंगे, 10 दिन पहले एग्जाम डेट दे सकते हैं। इसलिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, और हर रोज ये सोच के चलें कि कल एग्जाम डेट आ सकती है। हमसे कैसे जुड़ सकते हैं भाई, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और हमारी टीम के साथ भी आप जो है जुड़ सकते हैं इस नंबर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके। अगर यहाँ पे आप मैसेज करते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी, यहाँ पे कॉमन पेपर का और फिजिकल एजुकेशन के पार्ट को पढ़ाया जाता है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और क्लासेज जो आपकी होती हैं वो टीचमेंट ऐप के ऊपर होती हैं, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी। मैं बता दूँ आपको, जितनी भी क्लासेज हैं वो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लगभग 70% कवर हो चुका है, 2 टॉपिक बचे हैं। इसके अलावा टेस्ट भी आपको रेगुलरली एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, ठीक है, और कॉमन पेपर को लेके भी क्लासेज हमारी चली हुई हैं। और यहाँ पे इसके अलावा स्टडी मटेरियल में आपको सारी PDF मिल जाएंगी, वो हरियाणा जीके की हो चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो हमारी फिजियोलॉजी वाली यूनिट है वो भी लगभग जो है कंप्लीट होने को है, उसके रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे डाले गए हैं एक एक टॉपिक के, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका रहने वाला है। इसके अलावा और यहाँ पे आप देखोगे स्टडी मटेरियल हरियाणा जीके को लेके भी जो है PDF वगैरह ऐड होंगी, कॉमन पेपर का भी यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। तो आप जो है मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से आपको चीजें करवाई जाती हैं। और फीस का मैं बता दूँ, यहाँ पे 2000 रुपये आपकी फीस रहने वाली है, इसमें कोई भी मामला जो है वो नहीं है भाई, 2000 रुपये आपकी फीस जो है यहाँ पे रहने वाली है। तो आप जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर का सहारा ले सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जो है कर सकते हैं भाई, वहां पे आपको इंस्टेंटली रिप्लाई किया जाएगा कि क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं, आप जरूरी नहीं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके जुड़े, आप कहीं भी जुड़े, लेकिन चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से एक बार जरूर कवरअप करने की कोशिश करें। आपको आता है तो बेटर है, लेकिन रिविजन आपका हो जाएगा। आपने 2017-18 में स्टार्ट किया, पढ़ाई से आप दूर है, प्राइवेट स्कूल में आप जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, या कहीं भी जो भी आपको पढ़ा दे सीक्वेंस में तो वहां पे जरूर जुड़िए, क्योंकि समय कम है एग्जाम में, और जब तक अप्रैल नहीं निकलती है तब तक समय कम। इसके बाद अप्रैल ठीक ठाक निकलगी फिर एग्जाम कब होगा कह नहीं सकते, फिर ये मामला लटक भी सकता है, भटक भी सकता है, वो फिर BJP सरकार और HSSC तय करेगी कि क्या होगा, जो होगा मंजूर सरकार होगा, ठीक है। तो ये अपडेट आप सभी को देनी थी। अगर यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन बचा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ना बचाओ तो भी कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।